शरीर स्थिर किया तो ही तो अगली बात फिर कर पाओगे ना, और वो है श्वास को अपने गंभीरता से लेके उसे बाहर रोक दिया। कितना रोकना वो मैं अभी नहीं कह रही हूं, क्योंकि अगर आप 3 महीने का ये अभ्यास पूरा कर लें कि आप मिनिमम 1 घंटा बिना हिले डुले बैठ सके, और दोनों अभ्यास, पहला श्वास लेना और बराबर छोड़ना, अभ्यास नंबर 2 श्वास लेना और उसका दुगना छोड़ना मेट्रोनोम के साथ, इतना आप कर लें तो फिर कितना रोकना ये मैं बतला दूंगी। क्योंकि जिसने इतना भी ना किया और सीधे कह रहे इसकी क्या जरूरत है, हम तो कर ही लेंगे, बस आप बोलो तो सही, दैट विल बी वेरी हार्मफुल। पर यह बात तय है कुछ समय के लिए, जैसे आप कहो कि आप 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए इसे कभी भी करेंगे। और मैंने ये शायद कई बार ध्यान शिविरों में ये अभ्यास कराया भी है कि श्वास लिया छोड़ा अब बाहर रोक दो, फिर लिया छोड़ा बाहर रोक दो, वेरी सिंपल है सच। पर जो लोग हार्मोनियस ब्रीदिंग नहीं रखते, जिनकी मैंने श्वास लेने का जो क्रम है वो ठीक नहीं है, माने झटके झटके से सांस लेते हैं, झटके झटके से श्वास छोड़ते हैं, कभी लंबा लेते हैं कभी छोटा छोड़ते हैं, कभी छोटा लेते हैं और लंबा छोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर ये अभ्यास करेंगे तो उनसे ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और थोड़ी सी अभ्यास है तो 2-3-4 सेकंड रोकने में, थोड़ी देर रोकने में कुछ नुकसान नहीं होगा, किया जा सकते एनी टाइम। मन रुक ही नहीं रहा, मन भाग ही जा रहा है, करके देखिए इसको, श्वास भरा बाहर छोड़ा बाहर रोका, क्षमता अनुसार बिल बिला के सांस ना अंदर ले रहे हो आप, सहज से ही अंदर जाए, ऐसा नहीं हो रही हो इसका मतलब आपने ज्यादा देर कर ली, थोड़ी देर के लिए रोक लिए, चित्त ठीक जाएगा। चित्त की स्थिति टिकने का यह बेहतरीन और सबसे सरलतम उपाय हम कह सकते हैं, और वो है तुम्हारा श्वास। लोग पूछते हैं मन काबू कैसे करें, योग कहता है पहले श्वास काबू कर लो, मन नहीं आएगा तुम्हारे हाथ, मन तो भगाएगा तुम्हें, मन तो दौड़ाएगा तुम्हें, मन तो तुम्हें पाप में गिराएगा, मन तो तुम्हें नींद में ले जाएगा। जिसके चित्त की भूमि में मूढ़ता है ऐसा व्यक्ति, यहाँ आके मैं कहूँ आँख बंद करो ध्यान के लिए, वो आँख बंद करेगा और सो जाएगा। जिसके चित्त में क्षिप्तावस्था है, रजोगुणी है, ऐसा व्यक्ति को आप कहें मंत्र कर लो तो उससे मंत्र कहाँ हो सकता है, क्योंकि मन तो भाग रहा है उसका यहाँ वहाँ, हजारों विचार और स्मृतियाँ जिस मन में दौड़ रही हूं, उस मन से सुमिरन कैसे हो सकता है। तो ये एक परेशानी बनी रहती कि हम कर तो रहे हैं पर मन तो टिकता नहीं, हम कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, माला घुमाने का नाम जप नहीं है, मंत्र को मुंह में मात्र बोलने का दोहराने का नाम जप नहीं है। जप मतलब तुम्हारा मंत्र
ही मंत्र का एक विचार मन में चल रहा है और बाकी कोई विचार नहीं आ रहा है। दैट इज द चैलेंज। हम लोग व्यवहार करते समय अपने मन में इतना इतना कूड़ा कचरा भर लेते हैं, इसलिए जैसे ही आंख बंद करते हैं तो वही कूड़ा कचरा दिखता है। सर, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंत्र अभ्यास अच्छा हो तो फिर झूठ ना बोलो, मन मैला ना करो, राग द्वेष से बचो, बहुत इच्छाओं के पीछे ना भागो। डोंट क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस। Distractions don't come to us, we create the distractions. आप बैठे अभ्यास में, मंत्र जप करना शुरू किया मान लो, और मन में विचार कुछ भी आ गया, तो उस समय पर वैराग्य की तलवार से उस विचार को काट दो, व्यर्थ है, इग्नोर इट, उपेक्षा करो उस विचार की। पर आप उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते, तो जैसी वृत्ति बनती है हां वैसी आपकी स्वरूप हो जाती है। जैसी वृत्ति बनती है वैसी आपकी स्वरूप हो जाती, माने आप उस वृत्ति से एक हो जाते हो, मिल जाते हो, भूल जाते हो अपने आप को। तुम दृष्टा थे पर तुम दृष्टा रहते नहीं हो, मन से एकीकार हो गया ना। अब जब मन से एकीकार हो गया तो मन आया तो अब क्या करेंगे, मन में आया ख्याल दुख का हो गए दुखी, मन में आया ख्याल सुख का हो गए सुखी, मन में आया ख्याल प्यारे का याद वो आ रहे हैं बैठ के रो रहे हैं उसको, अरे भजन करने बैठे तो किसी रिश्तेदार को याद करने बैठे थे, तुम जब करने बैठे थे कि दुश्मनों के मैं दांत कैसे खट्टे कर दूं ये सोचने बैठे थे। तो चित्त की इच्छा, चित्त की जो दशा है उससे संबंधित होगी आपकी अभ्यास की अवस्था। और दो और जहां आप यही भूल गए, जहां आप यही भूल गए कि आप करने क्या बैठे थे, दुश्मनों को याद, दोस्तों को याद, कल क्या होगा, क्या खाएंगे, कितने बजे सोना है, कल तो जाना है, क्या आप जब के लिए बैठे थे या ये सोचने के लिए बैठे थे। बी क्लियर फर्स्ट। जब कर रहे हैं वृत्ति बनी, किसी दुख वाली बात को याद कर लिया, आ गई वृत्ति, तो हुआ क्या, ये वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति मेरे स्वरूप में आ गई, था मैं कुछ और बन कुछ और गया। अब अगर बैठे थे जप करने, मंत्र कर रहे थे, विचार कोई और आ गया, तुम रहते ना दृष्टा उसके, करते उपेक्षा उसकी, उपेक्षा माने इग्नोर। लेकिन जैसे जोर से फ्लैश फ्लड आ जाए और आप उसमें गिर जाएं तो कैसे बचेंगे, बाढ़ बहा के ले जाती। ऐसे ही वृत्ति जब उठती है तो तुमको वो बहा के अपने साथ ले जाती। Whatever thought doesn't arises in front of you, you become the thought. When you become the thought, then the difference in between you and the thought is no more. So if the thought is painful, you are in pain. अगर विचार
राग का है, आसक्ति का है, चिंता का है, तो चिंता चित्त में नहीं आने वाली, तुम चिंतित हो जाओगे, दुख नहीं आएगा, तुम दुखी हो जाओगे, सुख का ख्याल नहीं आएगा, तुम सुखी हो जाओगे। ये वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति का स्वरूप मेरा ही स्वरूप हो गया, भूल गए मैं वृत्ति नहीं हूं, भूल गए वृत्ति चित्त में उठती है, भूल गए मैं चित्त का दृष्टा हूं, चित्त से अलग हूं, जैसे देह से अलग हूं, जैसे इंद्रियों से अलग हूं, जैसे मन बुद्धि से अलग हूं। तो जब आप अपने दृष्टा रूप को भूलते हैं, तभी यह मन आपके ऊपर सवार हो जाता है, और जब मन आपके ऊपर सवार हो जाता है, तब आप मन के गुलाम और मन आपका स्वामी हो जाता है, और जब मन आपका स्वामी हो जाता है, तो वह आपकी इतनी दुर्दशा करता है, चिंता, भय, शोक, मोह इत्यादि, ये सब चित्त की उठी वृत्तियां नहीं रह जाती हैं, तुम वैसे हो जाते हो, और वृत्तियां बदलती रहती। वृत्ति कैसी, जैसा चित्त, चित्त कैसा, जैसे क्लेश, क्लिष्टा अक्लिष्ट। सो डोंट थिंक दैट इट डजंट मैटर्स कि मैं किसी से लड़ाई कर लूं, क्योंकि मैं तो तगड़ा हूं, मैं तो मार सकता हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। आप सिर्फ अपना मन गंदा कर रहे, अपने आप को दुखी कर रहे। याद रहे, जिस खड्डे को आप खोदेंगे किसी के लिए, उसमें आप ही गिरेंगे। और मनुष्य की अनफॉर्चुनेटली ये ही एक स्वभाव बन गई। तो इस भागने वाले चित्त को देखिए, आप एक भी चीज, एक भी सूत्र नहीं कह सकते कि वह आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या आप कहें कि ये सूत्र की क्या जरूरत थी। एवरी सूत्र इज अप्रोप्रिएटली फिटिंग टू एवरी ह्यूमन माइंड। क्रम से जो वो कह रहे हैं, क्या वो एक एक चीज लागू नहीं हो रही? तो जब आपकी बीमारी का पहचान अच्छे से पतंजलि कर रहे हैं, तो पतंजलि जो आपको इस मुश्किल से बाहर आने का सूत्र दे रहे हैं, वो भी तो फिर उतना ही परफेक्ट है। बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट विल नॉट कम टू यू जस्ट बाय लिसनिंग। सुनने से नहीं हो जाएगा, करने से होगा। तीन चीजों के ऊपर काम करना आवश्यक है। पहला, शरीर की स्थिरता। दो, श्वास की गहराई और लंबाई, बिना झटके, बिना रोके उसको लेना। और तीन, मन में वैराग्य का होना। थ्री थिंग्स। If you wish to master your mind, you have to do these three things. It can't be more simpler than this, and it can't be more difficult than this. Tumhara ye sharir tumhare bas mein nahi. Kitna hai bas mein, isko janne ke liye ye hamare rishiyon ne samay samay par upvas karne ki baat kahi ki aaj hum ann nahi khayenge. जीव कितना ही ललचाए, कितना ही अच्छा समय न जाए, आज नहीं खाएंगे। निकल गए अगर 24 घंटे ठीक से, हालां
व्रत का नियम तो ये कहते हैं कि जिस दिन सोमवार का अगर व्रत रखना है तो इतवार रात्रि भी न खाए और मंगल सुबह भी न खाए. वन नाइट बिफोर एंड वन नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल्सो वन शुड नॉट ईट. ये है पूर्ण उपवास का तरीका. जीभ पर काबू पाए, जीभ कहे ये करना है, अच्छा जीभ पे आ रहा है ये बोलना है नहीं बोलना है, तो देखो चुप रह पाते हो. इंद्रियों पर संयम बनाने का शनि शनि धीरे 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 अपने ऊपर काम करना पड़ता है. सो शरीर स्थिर, श्वास गहरी और श्वास नियंत्रित. हर समय एक्चुअली ध्यान देने की बात है, क्योंकि जिस समय भी आपकी श्वास बिगड़ती है जानना आपका शरीर बिगड़ता है. इफ यू कीप ऑन ब्रीदिंग शैलो जल्दी ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. एलोपैथी कहेगी खाओ दवाई, दवाई की फिर डोजेज बढ़ाएगा वो टाइम के साथ. और कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि ब्लड प्रेशर की दवाई अपने आप में आपकी वेन्स और आर्टरीज को सिकोड़ देती है. वो एक काम कहते हैं हम ठीक कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा क्या नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं. After all, it is a drug. बीपी बढ़ा क्यों? चिंता से, लोभ से, क्रोध से हाइपर हो गए. One thought changes the chemistry of your body.